व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, और हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सर्दियाँ चल रही हैं मेलबर्न में, आपको पता है जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े निकलते हैं, गर्म फूड बनाए जाते हैं, और सर्दियों में तो वैसे भी सब कुछ खाने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, पाए और निहारी इनकी बात तो अलग ही है, हलीम होता है या सूप्स होते हैं चिकन के या वेजिटेबल्स के, लेकिन इस वीडियो में मैं वो बता रही हूँ या वो दिखाने जा रही हूँ आपको जो मैंने इन सर्दियों में बनाया है, और कुछ क्वारंटीन के टाइम पे बनाया था और कुछ नॉर्मल रूटीन में बनाया है, लेकिन वो वीडियोस मेरे पास काफ़ी अर्से से पड़ी थी लेकिन मैंने अपने किसी भी सोशल अकाउंट पर शेयर नहीं की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन वीडियोज़ को कंपाइल करूँ और आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। कोई ख़ास रेसिपीज़ नहीं है, वो रेसिपीज़ हैं जो मैं बनाती हूँ, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, और मैं अपनी रेसिपीज़ को हमेशा टेढ़ा मेढ़ा करती रहती हूँ ना, नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, नए नए तरीके से भी ट्राई करती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैं कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। उसके लिए मैंने कीमा लिया है और दो प्याज हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मसालों में मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। सबसे पहले धनिया है पिसा हुआ, फिर उसके बाद है साबुत ज़ीरा, फिर उसके बाद है काली मिर्च साबुत, उसके बाद हल्दी है पिसी हुई, लाल मिर्च है पिसी हुई, और नमक है। तो सबसे पहले मैंने इन सब चीज़ों को चॉप करना शुरू किया, जिसमें है हरा धनिया और प्याज और हरी मिर्च शामिल। इसको मैंने इस तरीके से हैंड चॉपर से चॉप करके एक प्याले में डाला, और कीमे को भी मैं कुछ लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर और काली मिर्चें डालकर, जो है धनिया पिसा हुआ, अदरक लहसुन पिसा हुआ डालकर मिक्स कर रही हूँ, यानी कि इसके साथ ही पीस रही हूँ इन सब चीज़ों को मिक्स करके। ये है भुना हुआ जो चने होते हैं, उनको मैंने पीस कर और इस तरह से इसके साथ मिला लिया। अच्छा, कुछ मसाले मैंने चॉप कर लिए थे और कुछ मसाले मैंने पिसे हुए इसके साथ मिला लिए। कोफ्ते बना लिए आपके सामने और उनको तेल गरम करके उसमें तलना शुरू कर दिया। जब कोफ्ते तल गए हो तो उन्हें निकाल लिया, और अब मैंने मसाला बनाना शुरू किया, जिसके लिए मैंने दो प्याज पीस ली, दो टमाटर पीस लिए, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी मैं। मसालों में देख लें, ज़ीरा है और हल्दी है पिसी हुई, लाल मिर्च है पिसी हुई, और ये है दाना मेथी जिसको कहते हैं, ये मैं ज़रूर डालूंगी इसके अंदर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में। ये है लाल मिर्च पिसी हुई और ये है धनिया पिसा हुआ। अब मसाला बनाना शुरू किया और मैं भूल गई उसकी वीडियो बनाना, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने तेल गरम किया, उसमें प्याज गरम थोड़ी सी तल ली, प्याज हो गई तो सारे मसाले डाल दिए जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी, उसके बाद डेफिनेटली दही डाल दिया, और अब वो जो मैंने कोफ्ते बना के रखे थे वो इसके अंदर डाल दिए। अब मैंने इतना पानी डाला है कि पकने के बाद बस ये इतना रह जाए, क्योंकि ऑलरेडी कोफ्ते पके हुए थे। दूसरी डिश आ गई है, वो है दाल पालक। तो मैंने क्या किया, माश की दाल और मसूर की दाल को मिक्स कर लिया। इसको मैं धो लूँगी और धो के थोड़ी देर के लिए भिगो दूँगी, कम से कम आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैं इसको इसी राइस कुकर में बना रही हूँ, आप पतीले पे भी बना सकते हैं। लाल मिर्च, नमक और हल्दी वगैरह डालकर इसको मैंने उबाल लिया था। अब इसके अंदर मैंने पालक डाल दी है, पालक मैं फ्रोज़न रखती हूँ ज़्यादातर, और ये है टमाटर एक कटा हुआ। इसको इसी तरह खुले ढक्कन के साथ अब पकाऊंगी, और देखिए दाल पक गई है। अब इसके अंदर मैं भगाड़ लगा दूंगी, बिल्कुल डन हो गई है। और भगाड़ लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला, थोड़ा सा लहसुन हो गया तो थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्च डाल के मैं इसको इसके ऊपर भगाड़ लगा दूंगी। सर्दियों में ये बहुत अच्छी लगती है दाल, ये वाली जो मैंने बनाई है आपके सामने। इसके अंदर, इसके साथ मैं रोटी तोड़ के इसके अंदर खाती हूँ। आप चावल से खाना चाहें चावल के साथ खा लें, और इसके अंदर मैं ज़बरदस्त सा शान का अचार डाल के खा रही हूँ। बहुत मज़ा आ जाता है सर्दियों में इसको रोटी से खाने में। उसके बाद मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए मैंने क्या किया है, गाय का गोश्त लिया, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है ये, उसके अंदर मैंने कम से कम दो से तीन बड़े प्याले, ये वाले प्याले जो मेरे हाथ में है मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको भर कर और मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं क्या करूँगी, दाल को धो के थोड़ी देर के लिए इसी तरह से जो है वो रख दूँगी भिगो के, लेकिन गोश्त के साथ नहीं डालूँगी। जब तक गोश्त गल रहा है आधे पौन घंटे तक दाल इसी तरह भीगी रहेगी। पानी में जिसमें गोश्त डाला था उसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया पिसा हुआ डाला है, ये है गरम मसाला पिसा हुआ वो डाला है, और चॉप जो होती हैं वो लाल मिर्च वो डाली है, साबुत काली मिर्च डाली है,
और जो सारे गरम मसाले साबुत जीरा डाला है, अगर कोई और गरम मसाले आपके पास साबुत हैं तो आप साबुत डाल दें, मेरे पास गरम मसाले साबुत नहीं थे, मैं इतने ही गरम मसालों में खुश हूँ। एनीवेज इसको ढक के पका लूँगी मैं, और फिर उसके बाद मैं आधे घंटे पौन घंटे यानी 45 मिनट्स तक ऑलमोस्ट पकाने के बाद, दाल उसी तरह भीगी हुई थी, अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। तो अब मैं इसमें दाल शामिल कर रही हूँ, इसको मिक्स करके दाल के साथ इसी तरह पकाऊँगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको ये रेसिपी क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मैंने बहुत अरसे तक प्रैक्टिकल किया, मुझसे कभी कबाब ख़राब हो जाते थे, कभी पानी ज़्यादा हो जाता था, कभी पानी कम हो जाता था। देखें, थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है, इतना पानी डलता है इसके अंदर कि थोड़ी सी दाल डूब जाए और गोश्त आधा गला हो। दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी जो अब तक मैं डिस्कवर कर पाई हूँ। ढक के मैंने पकाया तकरीबन 2 घंटे तक, उसके बाद गोश्त गल गया है और दाल और गोश्त की ये कंडीशन है जो अभी आप देख रहे हैं। अब मैं इसको खुले ढक्कन के साथ पकाऊंगी और इसका पानी खुश कर लूंगी बिल्कुल। आप कोई भी मसाले डालिए, सिर्फ दाल और गोश्त का जो रेशो होता है, अगर वो आप अच्छा रखेंगे तो कबाब अच्छे बनते हैं, शामी कबाब। वो रेशो क्या है? वो रेशो ये है कि 1 किलो में 1 कप दाल डलती है मेरे हिसाब से। अब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई कबाब को चॉपर में पीसना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हाथ से पीस सकते हैं तो हाथ से पीस लीजिए, लेकिन मैं इसको चॉपर में ही पीस रही हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको इसी तरह से मैश कर लेते हैं, दाल और गोश्त को एक साथ। तो एनीवेज मैं इसको चॉप कर रही हूँ चॉपर में। तो असल में इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं क्विक क्विक रेसिपीज देना चाहती थी जो भी मैंने बनाई हुई थी। ये मैं हरा धनिया पीस के पिसे हुए मसाले में जो कबाब का पीस है उसके अंदर मैं हरा धनिया काट के डालूंगी, हरा पुदीना काट के डालूंगी, हरी मिर्च काट के डालूंगी और 1 अंडा डालूंगी। अगर अंडा मुझे कम लगेगा और ऐसा लगेगा कि और गुंजाइश है अंडा डालने की तो मैं और डाल दूंगी 1 और, अदरवाइज़ मैं ज़्यादातर 1 ही अंडा डालती हूँ। आधा किलो गोश्त और उतनी ही आधे प्याला जो मैंने इसमें दाल डाली है। तो उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से काट के बारीक बारीक अंडा मिला के अब मैं कबाब बनाना शुरू कर रही हूँ। तो इन तमाम रेसिपीज़ को देने का फर्स्ट मकसद ये था कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी क्विक क्विक इजी रेसिपी सबको दूँ, जिस तरह से इजी तरीके से मैं बनाती हूँ दूसरे लोग भी बना सकें। और दूसरी बात ये थी कि मैं बहुत दिन से बनाए हुआ रखा हुआ था और मैं भूल गई थी इसको कंपाइल करना वीडियो को। एनीवेज उसके बाद हम इन कबाबों के साथ चटनी खाते हैं जिसके अंदर हम टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च डालते हैं। तो मैं आपको चटनी बना के दिखा देती हूँ इसकी, जिसको सॉस भी कह सकते हैं टोमेटो का। तो ये इसको मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है और इसको निकाल के रख लिया है। अब मैं कबाब तलूँगी। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपके हस्बैंड आपको रोटी बना के खिला सकते हो। कबाब रेडी हो गए हैं और हम इसको खाते हैं रोटी और चटनी के साथ। आई होप यू विल लाइक इट टू। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ तली हुई मछली, लाहौरी फिश। उससे पहले मैं पहले ही बता दूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप फिलेट्स बनाना चाहते हैं आप फिलेट्स बना लें, आप छोटे करके बनाना चाहते हैं काट के इस तरह से काट के बना लें। मैं बहरहाल फ्रोज़न फ़िश लेके आई थी क्योंकि फ्रोज़न ही मिलती हैं आसानी से, और ये बासा फ़िश है और इसको मैंने क्या किया इस तरह से आपके सामने इसके पीसेस कर लूँगी मैं छोटे छोटे। मैंने आपको बताया ये ऑप्शनल है, हम इसी तरह पसंद करते हैं छोटे पीसेस करके मसाला लगा के तलना, तो हम इसी तरह से कर रहे हैं। इसको लाहौरी फ़िश मसाला भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने फ़िश को धो लिया काट के, अब इसके अंदर मैं धनिया पिसा हुआ डाल रही हूँ, उसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी पिसी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, सब हस्ब जायका हस्ब ज़रूरत, थोड़ा थोड़ा ये गरम मसाला है पिसा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाल रही हूँ
और उसके बाद मैं डालूंगी हीप्स ऑफ कॉर्नफ्लावर, काफ़ी सारा कॉर्नफ्लावर इसके अंदर। उसके बाद मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ मैं। और फिर एक और भी चीज़ इसके अंदर मैं डालूंगी, वो है धनिया, और धनिया और काली मिर्च को मैं क्या करूँगी इस तरह से साबुत लेकर पीस लूँगी। इनकी जो फ्रेश खुशबू होती है और वो फिश में आती है तो बहुत अच्छी लगती है, तो इसी तरह से इसको पीस लूँगी और फिर उसके साथ शामिल कर दूँगी। ऐड करके सारी चीज़ें मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं फ्राई करना शुरू करूँगी इसको। सर्दियों का बहुत कंफर्टिंग फूड है ये, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, बहुत अच्छी बनती है, क्विकली बन जाती है। मैंने आपके सामने मसाला लगाया और मसाला लगाते आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे से लेके 40 मिनट से 45 मिनट्स तक आप इसको छोड़ सकते हैं मछली को अच्छी तरह मैरिनेट होने के लिए, और फिर ये अच्छे से जो है वो फ्राई भी हो जाती है क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिला हुआ होता है, तो ऊपर से जो कोटिंग है वो बहुत अच्छी लगती है इसकी। हम इसको जो है वो छोले के पुलाव के साथ या चने के पुलाव के साथ और एक स्पेशल रायते के साथ सर्व करेंगे, जो मैं भी आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो अब मैंने पुलाव बनाना शुरू किया है, गर्म करके मैं उसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये बिल्कुल सादा सा छोले का या चने का पुलाव बना रही हूँ मैं। आई होप यू ऑल विल लाइक इट विद द फिश और एनी फ्राइड स्टफ लाइक मेबी चिकन एंड वेज, चिकन के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। के बाद मैं डाल रही हूँ पानी इसके अंदर, पानी के अंदर ही मैं उबले हुए छोले यूज़ कर रही हूँ। अगर आप छोले उबालना चाहते हैं तो नमक के पानी में छोले उबाल के ऊपर से डाल दें। ये डाला है मैंने नमक, और अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं 10 पैक छोले जो मेरे पास रखे हुए थे उबले हुए, 2-3 चम्मच जो है दही के डाल रही हूँ, और इसको इसी के साथ इस तरह से पका के जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो मैं चावल डाल दूँगी। तो चावलों को मैंने इसी तरह से पकाया है 10-5 मिनट के लिए, और जब पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगेगा और चावल मुझे नज़र आने लगेंगे, बस थोड़े थोड़े से बबल से नज़र आने लगेंगे, तो मैं इसको दम देने के लिए 10 से 5 मिनट के लिए या 8 से 10 मिनट के लिए इसको दम देने के लिए रख दूँगी ढक्कन। ये देखिए इस कंडीशन में आ गए चावल, अब मैं इस पर ढक्कन लगा के इसको दम देने के लिए रख दूँगी। अब मैं आपको 10-15 मिनट के बाद ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए चावल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, खिले खिले चावल बने हैं और बहुत बहुत अच्छे लगते हैं ये किसी भी फ्राइड चीज़ के साथ, चाहे वो मछली हो या चिकन हो। और अब मैं बनाना शुरू करूँगी जो वेजिटेबल मिक्स वेजिटेबल वाला रायता मैंने आपको कहा है वो। उसके लिए मैंने क्या किया है, खीरा है, खीरे को हैंड चॉपर में डाल रही हूँ, प्याज है, टमाटर है, पुदीना है, और अगर आप थोड़ी सी हरी मिर्च डालना चाहें वो भी डाल दें। इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लूँगी। जब ये चॉप हो गए तो इनको एक प्याले में निकाल कर इनके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लीमू निचोड़ दूँगी मैं थोड़े से टेस्ट के लिए, और इसको जो है वो एक प्याले में दही डाल के थोड़ा सा इसके साथ मिक्स कर लूँगी। तो दिस इज़ व्हाट वी लाइक विथ फिश एंड राइस, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ट्राई करके देखिएगा आप। आई होप यू विल लाइक दिस एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आ रही हूँ मैं कढ़ी बनाने की तरफ। तो कढ़ी में मैं क्या करती हूँ कि दही को ब्लेंडर में डाल के उसके साथ तमाम मसाले जो है मिक्स कर लेती हूँ, ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है, आधा किलो दही है उसके अंदर मैंने 3 बड़े चम्मच भर के बेसन डाला है, उसके बाद मैं पानी डाली हूँ, सॉरी फॉर द मैस, और इसके बाद इसको तमाम मसाले डाल के मैं ब्लेंड कर लूँगी। सबसे पहले मैंने डाला है ज़ीरा, उसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पिसा हुआ, उसके बाद हल्दी थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है पिसी हुई, ये सब हसब ज़ायका हसब ज़रूरत है, नमक डाल रही हूँ टेस्ट के लिए सारी चीज़ें, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के। अब जो है वो इनको ब्लेंड कर लूँगी मैं साथ सारी चीज़ों को एक साथ। जब सारी चीज़ें ब्लेंड हो गई एक पतीले में इसको डाला और इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया, उस पतीले को भर दिया, कम से कम 3 से 4 जो है कप भर के मैंने पानी डाला है। और फिर इसके साथ जो बाकी मसाले रहते हैं जैसे कि प्याज रहती है, प्याज काट के डाल दूँगी,
करी पत्ता होता है एक, करी लीव्स जिसको कहते हैं, वो डालूंगी इसके अंदर मैं, और फिर इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, पकौड़ों का सामान रेडी कर रही हूँ। उसके अंदर मैं पालक डालूंगी, बेबी स्पिनच आलू डाल रही हूँ, और हरा धनिया डालूंगी, और अगर आप चाहें तो प्याज भी डाल दें, ये ऑप्शनल है। तो अब मैं बेसन जो है वो रेडी करना शुरू कर रही हूँ पकौड़ों का। जब तक वो जो है वो चूल्हे पे हल्की आंच पे वो कम से कम 2 से 3 घंटे बल्कि 4 घंटे, जितनी मैंने हमेशा से यही सुना है कि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकती है उतनी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप दही खट्टा यूज़ करेंगे तो कढ़ी और भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैंने बेसन में पहले पालक डाली थी, अब मैं आलू डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च भी डाल दें आपकी मर्ज़ी, प्याज डालना चाहते हैं प्याज डाल दें। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। जब मैं पहले कढ़ी नहीं खाती थी और बनाती थी तो मैं सोचती थी कि कढ़ी में कुछ भी नहीं डला हुआ होता, कोई न्यूट्रिशंस नहीं होते तो हम क्यों खाते हैं, उसके अंदर सिर्फ दही और बेसन होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं पकौड़ों में जो है वो जो सब्ज़ी ऐड करना चाहती हूँ ऐड कर सकती हूँ। ऐड करके देखा, मुझे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी कढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये सब ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, लेकिन इससे जो है मैं आपको बता दूँ कि आपको कढ़ी के अंदर इतने ज़्यादा फ़ायदे नहीं मिलेंगे, लेकिन इस तरह से ज़रूर मिल जाएंगे। पालक और आलू और हरा धनिया प्याज ये सब चीज़ें इसके अंदर डल जाएंगी। अब इसको पानी डाल के मैंने घोल लिया है, और ये भी देखें मैंने तो सिर्फ 2-3 ही इसके अंदर वेजिटेबल डाली हैं, लेकिन इतनी अच्छी चॉइस है आपके पास कि आप जो वेजिटेबल डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कढ़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पकौड़ों में मैंने वही सामान डाला है जो नॉर्मली मैं पकौड़ों में डालती हूँ। लाल मिर्च पिसी हुई डालूंगी, नमक डालूंगी, ज़ीरा डालूंगी, और इसको घोल कर अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, और फिर पकौड़े तलना शुरू कर दूंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, वो है बेकिंग सोडा। मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं था तो मैं क्या कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ। अगर बेकिंग सोडा होता तो मैं उसको 2-3 चुटकी डाल देती, वो इनफ रहता। अच्छा, पकोड़े जब तक बनाना नहीं शुरू करने जब तक आपको पता नहीं है कि आपकी कढ़ी रेडी हो गई है, और कढ़ी रेडी होने का ये तरीका होता है कि कढ़ी के ऊपर एक थोड़ी सी बारीक सी रेड कलर की लेयर आ जाती है, उससे पता चल जाता है आपको कि कढ़ी रेडी हो गई है। अब मैं पकोड़े बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कढ़ी जो है हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, पता है क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, पकोड़े निकाल के रखते हैं, फिर जब पकोड़े ठंडे हो जाते हैं और कढ़ी ठंडी हो जाती है तब पकोड़े डालते हैं, लेकिन मैं इसी तरह करती हूँ, हमेशा पकोड़े डायरेक्ट इसमें से निकाल के डायरेक्ट इसमें डाल देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टीम की वजह से पकोड़े नरम पड़ जाते हैं, नरम हो जाते हैं, जो कि अच्छे लगते हैं। भाई, सर्दियों का मौसम था और बारिशें हो रही थी, और पकोड़ों की कढ़ी बन जाए, ओहो इतना मज़ा आ जाता है। आप चावल के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, आपकी बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है। आजकल जैसा वेदर चल रहा है ना, उसमें तो कढ़ी इतनी मज़ेदार लगती है कि बस क्या बताऊँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब पकोड़े तल जाते हैं, कढ़ी रेडी हो जाती है, तो उसी तेल में मैं ज़ीरा, कढ़ी पत्ता, हरी मिर्च, जिस चीज़ का भी भगाड़ लगाना चाहती हूँ उस तेल में से थोड़ा तेल निकाल लेती हूँ, और उसी तेल का मैं भगाड़ लगा देती हूँ, तो और भी ज़बरदस्त खुशबू आ जाती है और तेल ज़ाया भी नहीं होता है। तो जनाब, कढ़ी रेडी हो गई है, मज़े से खाइए। इसके अंदर आप चाहें तो लाल मिर्च का भगाड़ भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं बना रही हूँ सर्दियों की एक बेहतरीन सौगात, जो कि है सूप, और मैं बना रही हूँ इस दफ़ा मिक्स बीन का सूप। ये मुझे मिक्स बीन मिले थे कोल्स में, तो मैं ले आई हूँ। इसके अंदर देख लीजिए, लोबिया के बीन्स हैं, ब्लैक बीन्स हैं, ब्राउन बीन्स हैं, सो मैनी बीन्स, और थोड़ी सी ग्रीन वाली दाल है, वो जो मसूर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, और अरहर की दाल आई थिंक उसको कहते हैं, वो है। तो आपके ऊपर है, आप कोई सी भी दाल और कोई सी भी बीन मिक्स करके मिला सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, इसको रात को ही भिगो के रख दिया था, इन सारे बीन्स को। तो ये बीन्स जो है ना, क्योंकि कम से कम इनको 12 आवर्स अगर ये भीगे रहेंगे तो ये अच्छे जो है वो जल्दी पक जाएंगे। तो इसको मैंने भिगो के रख दिया रात भर। अब जब सुबह होगी तो मैं किस तरह से बनाना शुरू करूँगी, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन। तो चिकन के अंदर मैंने चिकन का सूप बनाना है सादा। तो सबसे पहले मैंने चिकन का सूप बनाना शुरू किया है। उसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, और पानी की कोई क्वांटिटी मैंने नाप तोल के नहीं डाली है, 3 से 4 प्याले पानी भर के डाल दिया था कप का, जो मेरे हाथ में है इस वक्त मग।
और सूप के अंदर ना चिकन के मैंने कुछ खास नहीं डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, सी सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि सी सॉल्ट से जो है सूप में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद काली मिर्च जो है वो भी ग्राउंड करके डाल रही हूँ, फ्रेश काली मिर्च जो डली हुई होती है सूप में उसकी भी बात अलग होती है, इसीलिए मैं इस तरह काली मिर्च डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं एक प्याज इसके अंदर इसी तरह से हाथ से रफली चॉप करके डाल रही हूँ इसके साथ ही पकने के लिए। अब इसको मैं ढक्कन ढक के जब तक पकाऊंगी जब तक चिकन गल नहीं जाती है, चिकन कम से कम आधे से पौन घंटे के अंदर यानी कि 30 से 40 मिनट्स के अंदर 45 मिनट्स तक गल गई। जब वो गल गई तो मैं उसको निकाल लूँगी और उसको साइड पर रख दूँगी। अब मैं इसके अंदर बीन्स डालूंगी जो कि पूरी रात से भीगे हुए रखे हैं और इस तरह से हो गए, फूल गए, अच्छी तरह सोक हो गए पानी में। अब इन बीन्स को मैं इस जो चिकन की यखनी मैंने बनाई है उसके अंदर डालूंगी, मिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ और वो है टमाटर का पेस्ट यानी कि टोमेटो की प्यूरी या पेस्ट जो भी आप कह लें। तो मैं टमाटर, दो टमाटर मैंने लिए, ब्लेंड किया और उसके बाद इसको मिक्स कर दिया। अगर कोई रफली इसके अंदर आ भी गया तो डजेंट मैटर, वैसे मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा रह गया सा पीस। उसके बाद इसको मैं ढक कर जो है वो कम से कम मैंने पकाया था 2 से 3 घंटे रफली, और 2 से 3 घंटे के बाद पकाने के बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद श्रेडेड मैंने इसको कम से कम 1 घंटे और पकाया था, और ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा पकाना चाहते हैं इसको, किस तरह का खाना चाहते हैं, लेकिन ये सूप बहुत यमी था। ये मैंने इस सीज़न में भी बनाया और पिछले सीज़न में भी बनाया है। इसके अंदर जो मसाले जो सॉसेस आप डाल के खाना चाहते हैं खाइए, ये रेडी हो गया है, विंटर वार्मिंग है, हेल्दी है, यमी है, डिलिशियस है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू प्लीज़ डोंट फर्गेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को तो एक बेल आइकन का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज आप तक मिल जाएंगी, आप तक पहुँच जाएंगी। अच्छा, उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी, एक स्टेटमेंट देना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर आपको मेरी डिशेज समझ में नहीं आई हों तो मुझे इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि सब लोगों का तरीका अलग अलग होता है, खाने पकाने का रेसिपीज़ भी अलग होती हैं, हाथ का जायका भी अलग होता है, देर आर सो मैनी थिंग्स इन्वॉल्व। कुछ चीज़ें कहीं अवेलेबल नहीं होती हैं तो बंदा उसकी जगह कुछ और यूज़ कर लेता है, कुछ चीज़ें कहीं पर अवेलेबल होती हैं तो वो उनको इस्तेमाल कर लेता है। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।